एक कंफर्टेबल पॉस्चर में बैठ जाएं और अपनी श्वास पर ध्यान दें। Take three deep breaths. और अब अपना पूरा ध्यान अपने आज के दिन पर लेकर जाएं। सुबह से अभी तक आपने जो भी एक्शंस किए उसके पीछे आपके जो अटैच्ड इमोशंस थे और उन्हें करने का जो भाव था, इंटेंशन था, उसका अवलोकन करें। एक मूवी की तरह मॉर्निंग से लेकर अभी तक अपने सारे एक्शंस, इमोशंस और उससे जुड़े इंटेंशन, भाव पर अपना ध्यान लेके आए। अगर जाने अनजाने में आपका मन दुखा हो या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसे इसी क्षण रिलीज कर दे। रिलीज एंड लेट गो। जो भी इमोशंस आपको दुख पहुंचा रहे हैं उसे इमीडिएटली रिलीज कर दें। क्षमा वीरस्य भूषणम्। क्षमा वीरों का श्रृंगार है और क्षमा कर आप अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त कर रहे हैं। जो भी इमोशंस जिस किसी के भी द्वारा दिया गया है आपको, अगर आपको दुख पहुंचाता है तो उसे रिलीज कर दें। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करें। दुख का एक बहुत बड़ा बोझ आपने रिलीज कर दिया है। क्षमा करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। और अब जड़ से चेतन तक, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक, कोई भी जीव को अगर आपने कष्ट पहुंचाया हो, मनसा वाचा कर्मणा, तो उससे क्षमा मांगे। जाने अनजाने में मन से, वचन से और काय से, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक
कोई भी जीव को अगर किसी भी प्रकार से आपने कष्ट पहुंचाया हो तो उससे क्षमा मांगे। हो सकता है कि आपके एक्शंस परफेक्ट हों, लेकिन ये आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं भावों में मलिनता आ गई थी। अगर ऐसा भी हुआ हो तो क्षमा मांगे। क्षमा मांगकर अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त करें। और संकल्प लें कि आज के बाद इस तरह के भाव, विचार या कर्म आप नहीं करेंगे। क्षमा मांगे। और अब क्षमा मांगे अपने शरीर से, जो हर क्षण हर पल आपकी सेवा में संलग्न है, लेकिन अपने गलत खान पान, आहार, दिनचर्या, आलस्य इत्यादि से आप उसे दूषित करते रहते हैं। क्षमा मांगे अपने शरीर से, क्षमा मांगे और संकल्प लें कि अब आप पूरा ख्याल रखेंगे और अपने शरीर को उसी रूप में भगवान को लौटाएंगे जिस रूप में उन्होंने आपको दिया है। अब आप अपने शरीर के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। और अब क्षमा मांगे अपनी आत्मा से। गलत भावनाओं और विचारों से आपने अपने सत्त चित्त आनंद को डिस्टर्ब किया। अपने आत्मा के मूल स्वरूप को दूषित किया, उसके लिए क्षमा मांगे। और संकल्प लें कि अब आप हर क्षण हर पल अपने भावों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। और अपने सत्त चित्त आनंद की अवस्था को बनाए रखेंगे। और अब क्षमा मांगे अपने गर्भस्थ शिशु से कि यदि जाने अनजाने में आपके आहार, विचार, भाव एवं कार्यों से उसे कष्ट पहुंचा हो, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे।
महसूस करें अपने अंदर के हल्केपन को। कितने कर्मों की निर्जरा कर दी है आपने। धन्यवाद करें उन सभी आत्माओं को जिन्होंने आपको क्षमा किया है। धन्यवाद करें अपने शरीर और अपनी आत्मा को जो हर पल आपको क्षमा करते रहते हैं। क्षमा मांगे और धन्यवाद करें अपने गर्भस्थ शिशु से जो पूर्णतः आप पर आश्रित है। और अब अपना ध्यान लेकर जाएं अपने कल के दिन पर, अपने पूरी दिनचर्या का अवलोकन करें, सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं उस पर अपना ध्यान लेकर जाएं, और उसे अचीव करने के लिए आपको क्या सपोर्ट चाहिए, किस किस का सहयोग चाहिए, उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको सहयोग कर आपके कार्यों को पूर्ण करने में मदद करें। आप एक कर्म योगी हैं। कर्मयोगीपन यह संकल्प करें कि आपके हर कर्म के पीछे आपकी भावना शुद्ध और सिर्फ शुद्ध रहेगी। आपका पूरा ध्यान कर्म पर ही रहेगा, ना कि फल की चिंता करने पर। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो। और फिर अपना 200% देने के बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा उसे आप ईश्वर का प्रसाद समझकर सहर्ष स्वीकार करेंगे। हर क्षण हर पल संभाव में रहेंगे। आपके सारे कर्म समर्पित हैं अपने ईष्ट के प्रति। इसी संकल्प के साथ आप अपने अगले दिन का अवलोकन करें, अपने सारे कार्यों का, सारी एक्टिविटीज का। अवलोकन करें और महसूस करें कि कृपा बरस रही है आप पर, और आपका एक एक कार्य शुद्ध भावना से ओतप्रोत है। और जो आपके लिए बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, आपको वही प्राप्त हो रहा है।
जो आपके शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ है वही उसे प्राप्त हो रहा है। और अब इसी कृपा के भाव के साथ, इसी शुद्धता के साथ, इसी समर्पण के भाव के साथ, धीरे धीरे अपने शरीर में आए, अपने उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ें, नेत्रों को स्पर्श करें और एक नई चेतना, उमंग और विश्वास के साथ, एक दिव्यता के साथ धीरे से अपनी आंखें खोल दें।